हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। 8 बजे का टाइम हो चुका है, धूप आ गई है। अब जाके मैं किचन में आई हूँ क्योंकि हमारे आज एक लेबर ऐसे टाइम में आई है ना जब हम फ्री हो गए थे, और मुझे फिर से बनानी पड़ रही है यहाँ पे चाय। और ब्रेकफास्ट तो खैर मैंने भी अभी तक नहीं किया, तो यहाँ पे मेरी स्टफिंग थी, तो मैं बनाने वाली हूँ कुछ आलू का स्टफिंग। ये बेरों की रोटी बनाती हूँ अपने लिए भी, उसके लिए भी जो लेबर आई है। आजकल की लेबर भी अब सुबह उठ के आ जाती है बिस्तर से, फिर इनको खाना बनाना पड़ता है, क्या करें जब इनसे काम कराना पड़ता है, तो फिर उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो मैं बना देती हूँ अब। ये जो स्टफिंग है ना, ये पहले से बनी है, ये ऑन है। इधर को मेरी चाय बनेगी इंडक्शन पे, और उधर को मुझे बनानी पड़ेगी रोटियां, और साथ साथ में दोनों चीजें बन जाएगी। फिर इस तरह से करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा उसने शाम को नहीं ना बोला, शाम को बोलता तो फिर उस हिसाब से चलता है। ये सुबह भी आ रहा है 8 बजे जब सब लोग फ्री हो गए थे चाय पी के, अपने हिसाब से करते हैं। अब सुबह बिस्तर से उठ के आ जाते हैं, फिर भूखे पेट क्या काम करेंगे, अब खिलाना तो पड़ेगा इसको। स्टफिंग में थोड़ा सा ना मोटी मोटी जैसे रखी है, इसको थोड़ा पतली कर देती हूँ। क्योंकि बाहर आएगी रोटी से, थोड़ा सा इसको मैश कर देती हूँ, मैश, क्योंकि दीदी थोड़ा मोटा मोटा रखे होते हैं आलू, ऐसे ही अच्छे से मैश नहीं की होती है। हाँ चलो, इतना फायदा तो हुआ कम से कम, ये मेरे को बेड़ो तैयार मिला, नहीं तो मैं मुझे सोचना पड़ना था क्या बनाऊँ इसके लिए ब्रेकफास्ट में। ये चीज़ तो होगी है, और इसने मेरा टाइम भी वेस्ट किया, मुझे कुछ काम करना था। शाम को बोलता तो उस हिसाब से करती मैं, क्या ही बोलूं यार। अब आजकल तो काम कराने भी इतने मुश्किल है कि क्या ही बोले। जब कुछ बोलती यार ये आटा तो मुझे फुला जैसा लग रहा है, वो तो फुला है आटा, इसके तो बटूरू बनेंगे, बटूरू दूर वाले बटूरू बनाने पड़ेंगे। क्या काम फिर बाहर से ही बन जाएंगे। दो भटूरू खिला देती हूँ उसको, फिर खाएगा 2 बजे, क्योंकि 8 से 4 करेगा शायद ये ड्यूटी। ये बन रहे हैं बटूरू। अब ना बटूरू बहुत कम खाते हैं लोग, बनाते ही नहीं है। पहले हम बहुत खाते थे बचपन में, हमने बहुत बटूरू खाए। उस टाइम हमारे माँ बाप को बेचारों को काम से फुर्सत नहीं होती थी ना चपातियाँ, कौन बनाता रहेगा। आज की जैसे थोड़ी नहीं है, बस यही काम खाना बनाने का, उस टाइम बहुत काम करने पड़ते थे पेरेंट्स को। आज तो बस यही एक काम है जो कि इसको ही काम समझते हैं, बाकी ये खाना बनाना, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा कर लिया, वही काम है आज की डेट में। उस टाइम इसको काम नहीं समझते थे, उसको पता नहीं करते करते झाड़ू तो शायद पता नहीं 2-4 दिन में मारते हुए कर, जब ऐसे दिखे नीचे। अब तो चाहे कूड़ा दिखे ना दिखे, पर झाड़ू जरूर मारेंगे। और रोज का काम है ना झाड़ू मारना, कपड़े धोना, उस टाइम रोज नहीं करते थे। कपड़े तो शायद हफ्ते के बाद धोते होंगे बेचारे, पानी नहीं होता था। टाइम टाइम की बातें, क्यों ऐसे ही चलता है। मैं 2 भटूरू तो मुझे भी खाने ही पड़ेंगे शायद, बना के रखती हूँ। अब जितने खाएंगे खाऊंगी, नहीं खाएंगे तो फिर दोपहरी में खाएंगे। अब जो बनाने लगी हूँ मैं स्टफिंग पूरी बनाऊंगी,
ये है मेरा बटोरू, ये मेरी चाय तो हो ही गई है, बस फटाफट से बना के उसको अब ले जाती हूँ। तू सो के उठ के चला होना, क्यों खाना नहीं बनाता तू? ये भी इस साल का काम ना, ये केस वाले तो माचिस बनाने के पास है, तू लगा दी। आपके लिए पहले किचन में घुसती हूँ, क्योंकि मैं तुझे कुछ चाय पीनी थी, खाना खाना था। मैं तो मम्मी के घर से आ गई थी खा के लंच करके, 4 बज गए हैं शाम के।